अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा, अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा कभी नहीं जो करते हैं। अरे क्यों फेंकते हो यार, हैं कभी तो सही बात करो। ठीक है तो भाई फिर ये सुनो, थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं। अरे थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं, थोड़े से कड़वे हैं लेकिन, अरे थोड़े से कड़वे हैं लेकिन खबर सभी की रखते हैं भाई, खबर सभी की रखते हैं। मकारों की पोल खोल कर, अरे मकारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, मकारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना। ऐसे कक्का जी के दर्शन चलो धनाधन करते हैं भाई, चलो धनाधन करते हैं, चलो धनाधन करते हैं भाई, चलो धनाधन करते हैं, चलो धनाधन करते हैं। अरे अरे राम राम, अरे बाप रे, हे ईश्वर क्या हो रहा है इस देश में। न कोई धर्म बाकी रहा, न कोई ईमान। ऐसा कब तक चलेगा। आए हाय हाय, जिधर देखो उधर खतरे, भ्रष्टाचार, बेईमानी, धोखाधड़ी, चोरी। नहीं ठीक नहीं है हाल, लोगों को क्या हो गया है जी। ओहो अब क्या करें, कोई भी अच्छी खबर नहीं, कैसे चलेगा ऐसे सब। कैसे हो कक्का जी। अरे बहुत बुरे हैं, यानी अच्छे तो नहीं है हाल। मुझे तो भला बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो। अरे मेरी छोड़ मुझे क्या होगा री, पर देश के हाल बड़े बुरे हैं। हेलो, अब देश को क्या हुआ। अरे ये अखबार पढ़ तो पता चलेगा। अरे कक्का जी, अब अखबार पढ़ने की हमारी कहाँ लियाकत, हम तो खुद ही अपने छोरे की चिट्ठी पढ़वाने आए हैं। हे राम, अरे इतनी उम्र हो गई तेरी और एक चिट्ठी पढ़ना नहीं सीख पाई जमनी। क्या करे, अब बचपन में तुम्हारे जैसा टोकने वाला जो कोई नहीं मिला, अब इस उम्र में पढ़ लिख कर क्या फायदा। पहला फायदा तो ये होगा कि जो चिट्ठी तू पढ़वाने आई है, अरे उसे खुद ही पढ़ सकती थी। लो कर लो बात, अब साल में 2-4 चिट्ठियां आती है सो आप जैसे से पढ़वा लेती हूँ, अपना तो काम हो जाता है। गलती कर रही है जमनी, बहुत बड़ी गलती कर रही है। खुद पढ़ना लिखना सीख, वरना भगवान न करे एक दिन पछताना पड़े। अब कक्का जी, गांव में आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर। तो क्या पढ़े लिखे लोग अपना काम धाम छोड़कर तेरी चिट्ठियां पढ़ते रहें, क्या बेकार बैठे हैं तेरे लिए। अरे अरे कक्का जी, ये कैसी बातें कर रहे हो, हम आपको बेकार की चीज थोड़ी बोल रहे हैं, आप तो गांव के पढ़े लिखे विद्वानों में से एक हैं। फिर भी हमारी कोई नहीं सुनता, सब अपना फायदा उठाते रहते हैं, सुनता कोई नहीं हमारी। अरे हम सुनने वाले हैं ना। लो कक्का जी, आप तो ये चिट्ठी पढ़ो, आप पढ़ो हम सुनते हैं। मजाक करती है, देख जमनी अब भी कहता हूँ पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। अरे अपनी चिट्ठियां खुद पढ़ने के लिए ही कुछ सीख ले। पर आप हैं तो कक्का जी। अरे इतनी सी बात के लिए दूसरों की मोहताज क्यों। वही तो मैं कह रही हूँ कक्का जी, इतनी सी बात के लिए अब इस उम्र में पढ़ने लिखने का झंझट क्यों। जमनी ज्यादा होशियारी मत दिखा, पढ़ने लिखने को झंझट कहती है, एक बार प्रौढ़ शिक्षा की क्लास में जाकर तो देख कितना आसान है और कितना मजेदार। सोचूंगी, पर पहले इसे तो पढ़ दो। बस तू तो सोचती ही रह,
करना धरना तो कुछ है नहीं। अरे कक्का जी, आप तो लठ लेके पीछे पड़ गए। इसके बगैर तुम लोग समझते ही कहाँ हो। ला चिट्ठी पढ़ूंगा, पर उसके पहले एक कहानी सुनती जा। मंजूर है तो बोल, नहीं तो ले जा अपनी चिट्ठी। अच्छा बाबा, सुनाओ कहानी। कक्का बोल, कक्का बाबा नहीं। अच्छा कक्का जी, सुनाओ कहानी। अब तो कहानी सुननी ही पड़ेगी। हाँ हाँ सुनाओ। देख, तेरी ही उम्र की एक औरत थी, पढ़ना लिखना टालती रही, दूसरों की मोहताज रही, और एक दिन कितना पछताई, ले देख। पढ़ाई लिखाई बोझ नहीं होती, ये तो जीवन के संघर्ष को आसान बना देती है। शिक्षा पाने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही उसे पाने में देरी करनी चाहिए। अवसर मिलते ही पढ़ना लिखना जरूरी है, क्या पता कब इसकी आपको जरूरत पड़ जाए। कोई तकलीफ हो तो शिक्षा पढ़ाई लिखाई ही आपके बहुत से जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर सकती है। किसी एक के पढ़ लिख लेने से सभी की जरूरतें मुश्किलें खत्म नहीं हो जाती। हम सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अक्षर ज्ञान से बड़ा हथियार और क्या हो सकता है। ये हथियार हम सभी के पास होना चाहिए और इसे पाना मुश्किल नहीं। हर कोई पढ़े और फिर हर एक पढ़ा लिखा और दूसरों को भी पढ़ाए तो इससे हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। कारी, दुख से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी, तुम तो बड़ी बहादुर औरत हो। अब तुम्हारी बहादुरी को ज्ञान का सहारा चाहिए। तुम पढ़ोगी और बहुतों को पढ़ाओगी, तो चलो आज से ही शुरू करें। ये क्या है? मास्टर जी की इसी प्रौढ़ शिक्षा क्लास का और खासकर कारी का हाल आज से एक माह पहले इससे बिल्कुल उल्टा था। ऐसा क्यों था? यहाँ का माहौल कैसा था सिर्फ एक माह पहले? मास्टर जी का माँ। गलत, अगर ये माँ है तो फिर ये क्या है? ये चा है। अच्छा, तो ये माँ है और ये चा है, तुम क्या कहते हो? मैं तो कहता हूँ मास्टर जी, आपने जो भी लिखा है बढ़िया लिखा है। वाह, क्या लिखा है? अरे पर तुम ये तो कहो कि ये लिखा क्या है। मैं कहने वाला कौन होता हूँ मास्टर जी, आप जो कहते हैं वही मैं कहता हूँ। बहुत उस्ताद हो गए हो तुम लोग, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। चलो बताओ ये क्या है। मास्टर जी, अब ये जो है वो है। अरे कारी आओ, मास्टर जी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अरे आओ कारी आओ, तुम्हारे छोरे की चिट्ठी आई थी तो। जीनू की चिट्ठी आई है? कब? अपना मंजू ड्राइवर है ना, वो जो जीप चलाता है वो शहर गया था। अच्छा, तो तेरा जीनू जहाँ पढ़ता है वही छात्रावास पर गया था उससे मिलने, उसी ने दी थी ये चिट्ठी। भला करे भगवान मंजू भैया का। ऐ मास्टर जी जरा पढ़कर तो सुना दो। हाँ हाँ, यही कहीं रखी थी, कहाँ गई? अरे कारी तू थोड़ी देर रुक कर इन तीन अनाड़ियों को पढ़ाई दे, मैं जरा चिट्ठी ढूंढता हूँ। मैंने कहा ना ये भ है, ये माँ है। नहीं ये तो च है। मैं बोला ना माँ है। ये तू कौन मुझे चुप करने वाला, जब देखो आंखें दिखाता है। ये च ये है तो सुन, वो तेरा च ये मेरा च, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मेरे लिए यही च है। बोल क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा? ये ले। मास्टर जी इनको रोकिए वरना। अरे रे क्या कर रहे हो, सीधे बैठ जाओ, लाओ स्लेट और चौक। ये प्रौढ़ शिक्षा क्लास है, कोई छोटे बच्चों का स्कूल नहीं जो बच्चों की तरह इतना बड़ा झगड़ा कर रहे हो। तो फिर झगड़ा यही मिटा दीजिए ना। नहीं, तुम ही सही जवाब ढूंढो। कब तक हमारी गाड़ी यूं माँ भाव और चापर रुकी रहेगी? मास्टर जी ये तो माँ है माँ। कारी तुम तो कहती हो तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर कैसे पता चला ये माँ है? मैं कहता था ये माँ है, पर तुम तो बहुत चक्की लड़ाई लेकर बैठ गए थे,
बिल्कुल अनाड़ी है ये दोनों, है ना मास्टर जी? और तुम जरूरत से ज्यादा से आने हो, जाओ तीनों बैठकर बारी बारी स्लेट पर माँ लिखना सीखो। हाँ कारी, बताओ कैसे सीखा ये? क्या बचपन में स्कूल गई थी? नहीं तो, मुझे तो सिर्फ माँ लिखना ही आता है। पर ये क्या बात हुई, सिर्फ माँ लिखना पढ़ना जानती हो? ऐसी तो तुम दुनिया की पहली औरत होगी, पर मैं ही क्यों और अक्षर क्यों नहीं? मैं नहीं बताती। अरे इसमें शर्माने की कौन सी बात है? माँ मास्टर जी का माँ नहीं, माँ मकू जी का माँ। अच्छा सुन, ये तेरे छोरे की चिट्ठी पढ़ता हूँ। माँ और बापू, मैं यहाँ छात्रावास में बिल्कुल मजे से हूँ। पढ़ाई ठीक चल रही है, बापू की तबीयत ठीक होगी, माँ की परेशानियाँ और तकलीफों का तो कोई अंत ही नहीं, लेकिन थोड़े बरसों का सवाल है, फिर उसे आराम ही आराम। छुट्टियों में घर आऊंगा तब आराम से बात करेंगे। अभी तो मंजू ड्राइवर के निकलने का वक्त हो रहा है, इसलिए चिट्ठी समाप्त करता हूँ। मेरे लायक कामकाज हो तो मास्टर जी के हाथों चिट्ठी डलवा देना। राम राम। कारी, तेरे साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इतनी छोटी उम्र में पति अपाहिज हो जाए तो क्या गुजरती है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं मास्टर जी, मुझे उस बात का कोई दुख नहीं। मेरा छोरा कितना सयाना हो गया है, ये सोचकर आंखों में पानी आ गया। हाँ, अपनी माँ की तकलीफ समझने लगा है, पढ़ने लगा है तो समझता है कि उसकी अनपढ़ माँ अपाहिज बाप की सेवा, घर खेती का काम करते करते रोज कितनी परेशानियाँ सहती होगी। क्या करे मास्टर जी, जो नसीब में है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, पर छोरा कम से कम पढ़ ले। तू फिर भी नहीं पढ़ेगी। मैं क्या पढ़ूंगी, पढ़ लूंगी तो होगा क्या? अरे बहुत कुछ होगा, खेती बाड़ी का हिसाब किताब, जमीन के कागजात से लेकर तेरे पति के दवाई तक में तेरी पढ़ाई काम आएगी। हमेशा दूसरों से दो कदम आगे रहेगी, सेठ साहूकार कभी गफला नहीं करेंगे। चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी सरकारी अमलदार, सभी के साथ एक विश्वास के साथ सर ऊंचा रखकर बात कर सकेगी। मास्टर जी, आपकी बात सोचूंगी। ये चिट्ठी ले जाऊं क्या? हाँ हाँ हाँ, ले जा, संभाल के रखना। जब तू पढ़ना सीख लेगी तब ये सारी चिट्ठियाँ खुद पढ़ना। आप तो मास्टर जी बस हर किसी के पीछे पड़ जाते हो। जब तक सारे गाँव वासी पढ़ नहीं लेते, छोड़ूंगा नहीं किसी को। देखो मेरे तीन अनाड़ी विद्यार्थी कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इनके पीछे पड़ गया हूँ। ठीक है मास्टर जी, चलती हूँ मैं। हाँ तो तुम लोगों ने क्या लिखा? माँ मक्कू। अरे ओ मक्कू, सुनते हो? छोरे की चिट्ठी आई है, ये लो। लिखता है बापू की तबीयत ठीक होगी। मैंने सोचा बापू को क्या होना था, अच्छे भले तो हैं, चिंता रहती है तुम्हारी उसे। ले खाना खा ले। अब मेरे बारे में लिखता है, बहुत काम करना पड़ता होगा, बड़ी तकलीफ होती होगी। अब काम तो करना पड़ेगा, काम करने में तकलीफ किस बात की? बस अब नहीं खाना? क्यों, क्या हुआ? मैंने बड़ी तकलीफ दी है तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो? पूरा दिन खटिया तोड़ता रहता हूँ। फिर भी तुम दूसरे मर्दों से अच्छे हो, वो तो हट्टे कट्टे होकर भी खटिया तोड़ते रहते हैं और औरतों को अपने ही घर में मजदूर बना कर रखते हैं। तुम्हें कम से कम मेरी फिक्र तो है। फिर भी खेती घर और मैं, हर एक के लिए तुम्हें सुबह से लेकर शाम खड़े पैर रहना पड़ता है। वक्त ये शरीर साथ देता तो कारी ऐसा कभी ना होता कि तुम्हें अनाज बेचने पालीवाला के पास जाना पड़ता या साहूकार से कर्जे का हिसाब किताब समझना पड़ता। हाँ हाँ, अगर तुम ठीक होते तो मेरा हाथ बटाते। फिर भी वो सब काम को इतना ज्यादा बोझ नहीं लगता जितने ये बार बार लिखा पढ़ी के काम परेशान करते हैं। तुम्हारी दवाई लेने जाती हूँ तो वो समझाते हैं कौन सी दवाई कब देनी है, पर पढ़ना ही नहीं आता, भूल जाती हूँ। वो लिख कर देते हैं तो मास्टर जी के पास जाना पड़ता है। पाली वाला या साहूकार के पास जाने में तो कोई दिक्कत नहीं,
तकलीफ तो उनके हिसाब समझने में होती है। खैर मुश्किलों का क्या, आती रहती है, पर बैठे रहने से थोड़े ही चलेगा। चलती हूँ खेत में। जीनू बेटे, जल्दी से बड़ा हो जा और आ जा तेरी माँ के पास। अब तेरी माँ अकेले अकेले ये बोझ ढोकर थक गई है बेटे, थक क्या गई है बेटे, टूट चुकी हूँ। और ऐसे में मास्टर जी कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा के क्लास में आओ, इतनी सारी उलझनों में से निकलूं तो पढ़ने की सोचूं। मैं तो कहती हूँ बेटे, अब तू ही पढ़कर आ जा हमारे पास। हमारे लिए तो तू एक पढ़ लिख ले, इतना ही काफी है। लो कारी आ गई, दे दो उसकी चिट्ठी। चिट्ठी मेरे लिए? किसने भेजी? ये तेरे बेटे के सिवाय कौन चिट्ठी भेजेगा? पर उसने तो पिछले हफ्ते ही एक चिट्ठी भेजी थी, तुम्हें किसने कहा कि ये उसी की चिट्ठी है? अरे कारी, गांव में तेरे छोरे के सिवा किसी की चिट्ठी आती ही नहीं। पर वो तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टी में यहाँ खुद आने वाला था, इतनी जल्दी दूसरी चिट्ठी। मास्टर जी कहाँ हैं? वो भी तो बाहर गए। कब आएंगे? 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। अब ये चिट्ठी किससे पढ़वाऊं? ए भैया, आप लोग तो फिर भी थोड़ा कुछ पढ़ लेते हो, जरा कोशिश तो करो। कारी, तू चिट्ठी पढ़ने की बात कर रही है? हम तो अभी तक खुद का नाम तक नहीं पढ़ लिख सकते। फिर भी भैया, एक एक अक्षर पढ़कर सुना दो, कुछ तो समझ आएगी। तू कहती है तो कोशिश करते हैं। हाँ हाँ चल। ये मजा, ये हाँ हाँ ये। अरे या नहीं, ये तो जा है। जा जा नहीं, हाँ है। ला मेरे पास। मेरे पास ला। अरे मेरे पास ला। बस करो भाई, बस करो। ए बस करो, तुमसे नहीं पढ़ी जाएगी, छोड़ो। कारी, आज हम तीनों बेवकूफों को अक्षर ज्ञान का महत्व समझ में आ रहा है। इतने दिनों से हम यहाँ प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर मटरगस्ती करते आ रहे हैं। मास्टर जी ने कितनी कोशिश की, पर हम एक शब्द ठीक से पढ़ना नहीं सीखे। लेकिन आज समझ में आता है कि वह कितना सही कह रहे थे। एक दिन यही निरक्षरता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बचपन में नहीं तो कम से कम इस उम्र में भी ठीक से पढ़ना लिखना सीख लिया होता तो आज तेरी ये चिट्ठी तो पढ़ लेते। हाँ, कितनी छोटी सी बात है, फिर भी हम सब लाचार हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आपका भी तो दोष नहीं। मास्टर जी ने जो आपसे कहा था वो मुझसे भी तो कहा था, पर मैं हर बार उनकी बात सुनी अनसुनी कर देती थी। खैर भैया, जो भी है, 2-4 दिन के बाद मास्टर जी आ जाएंगे तो पढ़वा लेंगे। आप ये चिट्ठी यहीं पर रखो, वो आए तो उन्हें दे देना। ठीक है। कारी, अरे वो कारी कहाँ हो? मक्कू, कहाँ है कारी? क्या हुआ मास्टर जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? जल्दी कहो वो कहाँ है,
अरे बड़ा अनर्थ हो गया। कारी खेत में है, पर ये तो बताओ कि कारी ये चिट्ठी कितने दिनों से आई पड़ी थी और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। पर क्या है चिट्ठी में? क्या हुआ मास्टर जी? कारी, कारी तेरा छोरा। क्या हुआ मास्टर जी? क्या हुआ मेरे झीनू को? देखिए चिट्ठी झीनू के छात्रावास के बड़े साहब ने लिखी थी। तेरा छोरा छात्रावास की सीढ़ियों से गिर गया था और उसके सर में बड़ी चोट आई थी। मास्टर जी ये क्या कह रहे हो? मास्टर जी मेरे छोरे को बचा लो। चलो मास्टर जी अभी शहर चलते हैं। कहाँ है मेरा झीनू? कैसा है मेरा झीनू? लेकिन कारी अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं मास्टर जी, कैसी देरी? क्या हुआ है पढ़िए जरा। अस्पताल में 3-4 दिन तक तो वो तुम्हारा नाम बड़बड़ाता था, फिर नहीं मास्टर जी नहीं। पढ़ाई लिखाई बोझ नहीं होती, ये तो जीवन के संघर्ष को आसान बना देती है। शिक्षा पाने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही उसे पाने में देरी करनी चाहिए। अवसर मिलते ही पढ़ना लिखना जरूरी है, क्या पता कब इसकी आपको जरूरत पड़ जाए। कोई तकलीफ हो तो शिक्षा पढ़ाई लिखाई ही आपके बहुत से जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर सकती है। किसी एक के पढ़ लिख लेने से सभी की जरूरतें मुश्किलें खत्म नहीं हो जाती। हम सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अक्षर ज्ञान से बड़ा हथियार और क्या हो सकता है? ये हथियार हम सभी के पास होना चाहिए और इसे पाना मुश्किल नहीं। हर कोई पढ़े और फिर हर एक पढ़ा लिखा और दूसरों को भी पढ़ाए तो इससे हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। कारी दुख से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी, तुम तो बड़ी बहादुर औरत हो। अब तुम्हारी बहादुरी को ज्ञान का सहारा चाहिए। तुम पढ़ोगी और बहुतों को पढ़ाओगी तो चलो आज से ही शुरू करें। ये क्या है? और ये शाबाश। और ये और फिर कार्य की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई का एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रौढ़ शिक्षा क्लास के अलावा कारी घर काम या खेती का काम करते वक्त भी अक्षर ज्ञान का पाठ पढ़ना नहीं छोड़ती थी। और फिर धीरे धीरे कारी ने बाकी तीनों से भी पहले पढ़ना लिखना सीख लिया। मास्टर जी तो खुश थे ही, बाकी तीनों भी कार्य के लिए खुश थे। लेकिन कारी ने इस पढ़ाई लिखाई के अध्याय को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, उसे एक अभियान बनाया। लोग चाहे माने या न माने, उस पर गुस्सा करें या हंसें, कारी अब किसी भी तरह रुकने वाली नहीं थी। उसने सारे गांव की औरतों को पढ़ाने की ठान ली थी और ये बात धीरे धीरे सच भी होने लगी, क्योंकि कार्य की पाठशाला की पहली विद्यार्थिनी शायद यही है। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 औरतें पढ़ने आने लगी। उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर फिर भी वे सब पढ़ती रहीं। और एक समय ऐसा भी आया
जब सारे गांव की महिलाएं कारिका यहां पढ़ने आने लगी, इससे लगता है कारिका अभियान सफल होने लगा है। तो देखा जमनी, कारी को अपने अनपढ़ होने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो भी तेरी ही तरह इस मामले में दूसरों की मोहताज थी। हाय हाय कक्का जी, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी ही कहानी है। पर भगवान न करे तेरे साथ ऐसा हो। मगर जमनी, तू कारी की तरह देर मत करना। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे नहीं नहीं कक्का जी, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। आज ही प्रौढ़ शिक्षा वर्ग में जाऊंगी। शाबाश, अरे इसमें तेरा ही तो फायदा है, मेरा क्या। चल ला तेरी चिट्ठी पढ़ता हूँ। हाँ हाँ लो सुनाओ। ज्ञान बिना नर पशु समान।